मेरी एक फ्रेंड है शालिनी, उनकी बुआ कम्प्लीटली पैरालाइज्ड थी और जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। तो वो क्या करती थी, जब भी वो दुखी होती थी या उन्हें गुस्सा आता था किसी भी बात पे, घर में कोई भी बात हो जाती, तो वो मेरी दोस्त को कर्स करती, उसे बद्दुआ देती कि जिस तरह से मैं अकेली रह गई हूँ, जिस तरह से मैं तड़पती हूँ, ऊपर वाला करे तुम भी वैसे ही तड़पो। और ये चीज़ें सुनते सुनते शालिनी बड़ी हुई और आज भी वो ऐसा ही कहती हैं। और वो मुझे जब भी बताती थी बहुत दुखी मन से कि माही मेरी बुआ मुझे ऐसे बोलती हैं और मुझे बहुत डर लगता है। उसका रिजल्ट ये निकला कि 4 लोग जिंदगी में आए, यूज़ किया और चले गए, एक भी इंसान लॉयल नहीं, सिर्फ यूज़ करने वाले। और अब उसका इस चीज़ से विश्वास उठ चुका है, उसको डर लगता है शादी के नाम से। तो इसमें शालिनी की क्या गलती है? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास जो कुछ अपनी गलतियों की जो सज़ा है वो चाहते हैं दूसरे लोग भी भुगतें, अपने कर्मों का जो उनका उनको जीवन मिला है उसकी वजह से वो दूसरों को कर्ज करते हैं। सो वैसे तो मैं नॉर्मली किसी भी वीडियो में, बहुत रेयर चांस होते हैं ये बोलूं कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, लेकिन आज के वीडियो में मैं बोलूंगी, क्योंकि आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैं गारंटी लेती हूँ आज के बाद किसी भी इंसान की नेगेटिव बात, किसी भी इंसान की जेलसी, अगर कोई इंसान आपसे नफरत करता होगा उसका असर आप पर नहीं होगा। आप बिना किसी डर के इस जिंदगी को जिएंगे, मैं ये आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि आज की वीडियो में एनालाइज भी करेंगे हम खुद को और इस टॉपिक को, लॉ ऑफ कर्मा जिसको हम बोल देते हैं, इसको बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। तो शालिनी वाला जो केस है, ये हम सारे लोगों के आसपास कुछ कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, राइट? तो इस वीडियो में, पहले पार्ट में, हम सेल्फ को एनालाइज करेंगे, यानी कि हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये हम अभी इसी वक्त बैठकर अपने आप को एनालाइज करेंगे। क्योंकि आप ही हो जो खुद को एनालाइज कर सकते हो, खुद की वीकनेसेस, खुद की स्ट्रेंथ, खुद की अच्छाइयाँ, खुद की बुराइयाँ। तो मैं आपसे, पहला क्वेश्चन उन लोगों से मेरा रहेगा जो इस वक्त मैरिड मेरे भाई हैं, ठीक है? वो एक समझते हैं कि वो एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, तो उनको मैं एक क्वेश्चन करूंगी कि अगर आपकी बेटी को आपके जैसा ही हस्बैंड मिले तो क्या आपके चेहरे पर स्माइल आती है, खुशी आती है? क्या आप खुद को भाग्यशाली समझते हैं? जवाब आपके पास होगा। और मेरी बहनों से मेरा ये सवाल है जो मैरिड हैं, कि जैसी आप बहू हैं, क्या आप चाहेंगे कि जो आपके मम्मी पापा को बहू मिले वो बिल्कुल आपके जैसी हो, आपके बेटे को आप जैसी लेडीज या औरत मिले जिंदगी में? और जो मेरी यहाँ पर सिस्टर इन लॉज हैं, यानी कि हर रिश्ते को आप ऐसे आज तोल कर देखना, बैठ के मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी आपको, आप जैसी सिस्टर इन लॉ है आपको बिल्कुल वैसे ही सिस्टर इन लॉज मिल जाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आप जैसी एक सास हैं, अगर आपकी बेटी को डिट्टो वैसी ही सास मिल जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आप जैसी एक पार्टनर हैं, आप जानते होंगे, यानी कि सामने वाला बिल्कुल वैसा ही आपको मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो पहले पार्ट में मेरे सामने आप बैठे हो, सुन रहे हो, अपने आप को एनालाइज कर लो। अगर आपको कोई रिग्रेट फील नहीं होता, आपको नहीं लगता कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, तो आपको मुझे एक ही चीज़ बोलनी है, निश्चिंत हो जाइए। अगर आपको आपके ही जैसे लोग दुनिया में मिलें और आप अपने आप को भाग्यशाली समझें तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए। कोई बद्दुआ आपका पीछा नहीं कर सकती, किसी की जलन, किसी की हसद आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, किसी की नेगेटिविटी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यानी कि अपने रिश्ते के हर एक सर्कल को घुमा के देखना है। आप जैसे सिस्टर इन लॉ हैं, अगर वैसे ही मिल जाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप जैसी भाभी हैं वैसी ही आपको मिल जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप जैसी सास हैं वैसी आपकी बेटी को मिल जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप जैसे जो टीनेजर्स सुन रहे हैं और जो अभी कॉलेज स्कूल्स में जो बच्चे हैं, आप जैसे ही बच्चे आपको मिलें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं।
आप जब इस पर एक गहरा चिंतन करेंगे तो आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और जो ये बातें सुनकर निश्चिंत हो गए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन करना, क्योंकि आज मैंने सुबह ही एक शॉर्ट डाला था कि ज़िंदगी को उस मकाम पर लेकर जाओ, अगर आपको कोई बोले कि जैसा करोगे वैसा भरोगे तो आपको वो चीज़ बद्दुआ नहीं दुआ लगे। अब आते हैं इन लोगों के ऊपर। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी, जैसे अब उनकी बुआ का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो पैरालाइज्ड थी तो उनका कोई कर्मा आड़े आया, लेकिन उसका जो इल्ज़ाम है, उसकी जो नेगेटिविटी है, वो दूसरों पर हावी कर रही है। अब यहाँ पर इन लोगों से कैसे बचना है? अगर आप निश्चिंत हो गए तो फिर डर कहाँ रह गया? अगर आप अपने कर्मों के जो वो एक चार्ज शीट है, अगर वो नीट एंड क्लीन है, आप एक ऐसे कहते ना एक ऐसे फेज पे हैं इस टाइम, ऐसे स्टैंड पर आप खड़े हो इस लेवल पे कि आप एनालाइज करने के बाद आपको माथे पे आपकी थोड़ी सी भी शिकन नहीं आई कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए या बदलाव की ज़रूरत है, यार मैं यहाँ पर थोड़ा सा तो बदलाव कर लूँ, तो फिर डर नहीं बचता। ऐसे लोग हमेशा निश्चिंत होके जीते हैं जो अपने आप में सही रहते हैं। कोई बोलेगा कि तुम सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ठीक है कर लेना, क्योंकि जिसके कर्मा शुद्ध होते हैं ना, जो इंसान अपनी दुनिया में प्योरिटी के साथ रहता है, उसके अंदर एक अटूट विश्वास रहता है कि मैंने गलत नहीं किया और ना मैं किसी के बारे में गलत सोचता हूँ, वो परम शक्ति, वो परमात्मा, वो रब, वो मेरे साथ है, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो आप डरते हो जादू टोना तंत्र मंत्र ऐसी क्रियाओं से, ये डर आपको निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप इस पहले वाले पार्ट में अगर आप पास हो गए जहाँ पर हमको एक डीप एनालाइज करना था खुद को, तो उसके बाद आप निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी जियो। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सेटिस्फाइड योर सोल, आपकी सोल सेटिस्फाइड होनी चाहिए आपके कर्मों से। इसके बारे में जो है बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी होते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी आएगा कि हम, या जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हम एक बहुत अच्छी सिस्टर इन लॉ रहे, यानी कि बहुत अच्छी या फिर हम बहुत अच्छी जो है हमारी माँ एक बहुत अच्छी सास है, लेकिन हम जो गए तो हमें बिल्कुल वैसा नहीं मिला, तो वहाँ पर फिर थोड़ा पास्ट कर्मा मैटर कर जाएंगे। बाकी पास्ट को तो बाद में देखेंगे, फिलहाल ये जो करंट में हमारे साथ है इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, अब जो है अब एक और कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी नहीं किया, लेकिन उनके साथ गलत पे गलत हुए जा रहा है। वो कल की वीडियो में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे ट्रॉमा बॉन्ड और कार्मिक रिलेशन बहुत मैटर करते हैं, और इसी चीज़ को हील करने के लिए मैं 3 डेज की वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, 26, 27 और 28, संडे मंडे और ट्यूसडे। टाइमिंग रहेगा शाम को 5:30, और इसमें एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ये इतना पावरफुल है, इसका मैंने काफ़ी इसकी डिमांड रही है जब मैंने इसको बनाया था, लोगों ने बहुत इसको परचेज भी किया, लेकिन इस वर्कशॉप में मैं आपको इसको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करूँगी, ताकि वो आप हमेशा इसको सुनो और अपने कर्माज को रिलीज़ करो, अपने ट्रॉमास को रिलीज़ करो, उस बॉन्ड को कट करो जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने सब कुछ अच्छा किया है। आपने आप पहले वाले टेस्ट में तो क्लियर हो गए कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मुझे मेरे जैसे इंसान मिल जाए, बट मुझे मेरे जैसे इंसान मिलते नहीं हैं। यहाँ पर ट्रॉमा मैटर करता है, यानी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अच्छे इंसान मिलते नहीं हैं। आप ईमानदार हैं, आपको चीट कर दिया जाता है। आप ऑनेस्ट हैं, आपके साथ बेईमानी कर दी जाती है। आप रिस्पेक्टेड हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। आप बहुत तहजीब वाले हैं, आपकी इंसल्ट कर दी जाती है। सो यहाँ पर ट्रॉमा
बहुत मैटर करता है, और कुछ कार्मिक रिलेशंस मैटर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली रिलीज़ करेंगे अपने अंदर से। बाकी एक चीज़ तो इस वीडियो से निश्चित तौर पर आपके अंदर आ गई होगी कि आज के बाद ऐसे बद्दुआओं से, ऐसी जेलिसी से, ऐसे हेट से, ऐसी नफरत से हमें कोई डर नहीं लगने वाला, कुछ नहीं लगने वाला। निश्चिंत होकर जियो, जो ट्रॉमा है उसको हील कर लेंगे, कार्मिक रिलेशंस हैं उनको भी हील कर लेंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो मैंने इस वर्कशॉप को इट्स जस्ट इन 599 बहुत ऐसे सोच समझ के कि ऑलमोस्ट सभी लोग जो है इसको ज्वाइन कर पाएंगे। सो आप लोग अपना इनरोल, अपने आप को इनरोल करा लो। कल का दिन बीच में है, लाइक कल लास्ट डे रहेगा। सो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं। तो मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहती हूँ माय डियर, कि आदमी अगर अपने आप को कहता है ना कि अगर हम सही हैं तो फिर ये जो डर है ना ये ख़त्म हो जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं कि मतलब वो कहते नहीं है कि अच्छाई थोड़े टाइम बाद दिखाई देती है, लेकिन दिखती ज़रूर है देखने वाले। चलो लोग नहीं देख पा रहे, वो जो ऊपर बैठा है वो ज़रूर देख रहा है। तो अपनी नज़रों में और उस सुप्रीम पावर की नज़रों में, उस परम शक्ति की नज़रों में अगर हम नीट एंड क्लीन हैं, फिर मैं कहती हूँ कि दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई बद्दुआ, कोई कर्स, कोई चीज़ आपका बाल भी माका नहीं कर सकती। ये मैं कहती हूँ चैलेंज के साथ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार हसद इंसान को, और ये लोग जो जेलस करते हैं, ये जो हमें नेगेटिव एनर्जी पास करते हैं। फिलहाल तो हम निश्चिंत हो गए, अगर हम नीट एंड क्लीन हैं तो हमें ये चीज़ें कोई भी हमें हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती। अच्छा, ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करना है, इनके साथ डील कैसे करना है, इस पर अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, जो आपको बार बार नेगेटिव कर देते हैं, जेलिस आपसे होते हैं, आपसे हेट करते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि इस इन लोगों के साथ एक्चुअल में डील करना कैसे है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम कम्प्लीटली अपनी लाइफ से बायकॉट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी फैमिली में ही हैं, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते ना उनको बायकॉट कर सकते हैं, वो हमारे सामने ही हमको दिखाई देते हैं। तो इन लोगों से कैसे डील करना है, ये जो हमेशा नेगेटिविटी, जेलसी, हेट, एंगर, इस तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें देते हैं, अगर आप इस पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वो वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। फिलहाल पार्ट वन में खुद को एनालाइज करना है, पार्ट टू में निश्चिंत हो जाना है भाई, अब कोई चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और पार्ट थ्री में आपको इस सवाल का जवाब मिला कि कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं लेकिन कुछ ट्रॉमाज हमारा पीछा करते हैं, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग्स हमारे अंदर रह जाती हैं जो हमारी लाइफ को ऐसे अफेक्ट करती हैं जैसे शालिनी को किया है। बचपन से वो ट्रॉमा, वो बददुआओं का डर उसके मन में बैठ गया, और जिसके रिजल्ट में उसने अपनी पूरी लाइफ को जो है ना वो स्पॉइल कर लिया। आज भी उसके अंदर वो डर है कि वो शादी करेगी तो उसकी शादी टिक नहीं पाएगी, वो डरती है शादी के नाम से, और आज भी वो चीज़ें कंटिन्यूटी में चल रही हैं। सो इन चीज़ों का सोल्यूशन ये वर्कशॉप रहेगी, आप लोग ज़रूर अपने आप को एक चांस देना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे नार्सिस्ट लोगों को कैसे डील करना है इस पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताना, मैं इस पे भी वीडियो लेके आऊँगी। सो हैव मैजिकल डे, टेक केयर एवरी वन, एंड बाय।